मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। भागलपुर दंगों की जांच कर रहे दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1989 का भागलपुर दंगा तत्कालीन कांग्रेस सरकार और पुलिस लापरवाही का नतीजा था। बिहार के रिटायर्ड जज एन सिंह की अध्यक्षता वाले जाँच दल ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में 1000 पेज की रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये त्रासदी इस वजह से हुई क्योंकि जिसके पास सत्ता थी वो बिल्कुल बेफिक्र था। दंगों में पीड़ितों के साथ जिस कदर व्यवहार किया गया वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं था। भागलपुर दंगे के समय बिहार की सत्ता में सत्येंद्र नारायण द्वारा संचालित कांग्रेस सरकार थी। भागलपुर में 24 अक्टूबर 1989 में राम मंदिर बनाने के लिए पत्थर इकट्ठा कर रहे एक जुलूस पर बम फेंका गया जिसमें 11 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। इस घटना के बाद उत्तर पूर्वी बिहार के भागलपुर में दंगों की आग फैल गई जो लगभग एक महीने तक चली जिसमें हजारों लोग मारे गए। 1995 में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि मुस्लिम स्कूल की तरफ से किसी ने बम फेंका, इसमें संदेह है या तो वह मुस्लिम हो सकते हैं या फिर हिंदू भी। रिपोर्ट पूरी तरह साफ नहीं कहती है कि किस समुदाय के आपराधिक तत्वों ने इस तरह की हरकत की थी। चुनाव जीतकर आए नीतीश कुमार ने अपने चुनावी वादे को निभाते हुए 2005 में दोबारा एक जांच कमीशन का गठन किया था जिसमें यह रिपोर्ट निकल कर आई है कि इन दंगों के जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस सरकार और पुलिस की लापरवाही थी। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।